नमस्कार, डायरी टाइम्स रे गद्दी सेक्शन में तुंदा स्वागत है। आज हम तुंदे समक्ष अपनी गद्याली भाषा में साप्ताहिक समाचार लेके आई है, जो भी हिमाचल प्रदेश में अक्की हफ्ते रा घटनाक्रम रेव रहा तिया समाचार लेके हूँ तुसु सामने हाजिर हुआ दिया। तो चला नजर पांदन तिया समाचारा पर। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू 10 मई थो नोए प्रतिबंध, ना चलनी बसा, जरूरी समान री दुकाना 3 घंटे ही खुली रहनी। हिमाचल प्रदेश में 10 मई सोमवार ब्यागा 6 बजे थो कोरोना कर्फ्यू री बंदिशा और ज़्यादा सख्त छे न। ए बंदिशा 17 मई थो ब्यागा 6 बजे ताय रहनी न। हफ्ते में 4 दिन पढ़ाई, 5वें दिन शंकाएं करनी दूर, 6वें ते 7वें दिन होने न क्यूज। सरकारी स्कूल री ऑनलाइन पढ़ाई में जून थो बदलाव होना। हर घर पाठशाला कार्यक्रम रा पार्ट 2 शुरू करने री शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू करी दी। कोरोना मरीज जो प्राणायाम सिखाना आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम रा शहरी विकास मंत्री करु शुभारंभ। योग प्राणायाम अते श्वास री क्रिया थो कोई भी व्यक्ति अपने ऑक्सीजन लेवल अते फेफड़े जो मजबूत करी सकता। विभाग रा दावा, हिमाचल रे स्वास्थ्य संस्थान में प्राप्त ऑक्सीजन। स्वास्थ्य विभाग दावा करुआ कि हिमाचल प्रदेश रे COVID-19 स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में टेरी कमी नहीं। मंडी जोगिंदरनगर रे पूर्व विधायक राम सिंह रा निधन। हिमाचल प्रदेश रे मंडी जिले रे जोगिंदरनगर रे पूर्व विधायक राम सिंह रा शनिवार जो पैतृक ग्राम लंगड़ा में सीढ़ी थोपैने पर त्यारा निधन उची गुआ। त्यारी उम्र 91 साल थी। मनाली लेह मार्ग मंज वाहनारी आवाजाही शुरू। 12 लाचा दर्रा मंज फंसे ट्रक निकाले। बर्फरी 4 फुट मोटी परत ओढ़ 12 लाचा दर्रे में वाहनारी आवाजाही त्यारा। कुछ पाठ्य पुस्तक थो कुछ अध्याय टाई करी नोए जोड़े। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड री प्रचलित कुछ पाठ्य पुस्तक में NCERT दिल्ली थो प्राप्त प्रकाशनाधिकार अते प्रदेश सरकार रे निर्देशानुसार कुछ संशोधन करुआ। वृद्धाश्रम क्लाथ में संक्रमित बुजुर्गों रा स्वास्थ्य कर्मी नच्ची करी करकरदन मनोरंजन। कोविड रे खिलाफ जंग लड़ने में स्वास्थ्य कर्मी बड़ी भूमिका निभाई कर देना। हिमाचल प्रदेश रे कुल्लू जिले में मनाली सोगी लगदा क्लाथ वृद्धाश्रम में संक्रमित बुजुर्गों रा ना केवल इलाज हुआ था, बल्कि इसोगी ही त्यारे सामने नच्ची करी अत प्राणायाम करी की त्यारा मनोबल बढ़ाई कर देना। हिमाचल कांग्रेस कोरोना काल में राहत कार्य तय पूर्व मंत्री GS बाली जो सोमपू जिम्मा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रदेश में कोरोना महामारी तय मनु जो राहत कार्य तय कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री GS बाली जो प्रभारी नियुक्त करुगा। मंडी में ब्यागा 10 बजे थो दोपहर 8 बजे तय खुली दुकाना। बिलासपुर में 8 बजे थो कल्ला तो होना बड़ा बदलाव। सोमवार जो मंडी शहर रे बाजार ब्यागा 10 बजे थो दोपहर रे 8 बजे तय खुले रहने न। सरकार रे आदेश थो बाद जिला उपायुक्त मंडी समय सीमा तैयार करी थी। पालमपुर रे विधायक आशीष बुटेल ने कोरोना टेस्ट अते टीकाकरण ताय प्रशासन जो दिता अपना भवन। विधायक आशीष बुटेल ने 15 जून ताय टीकाकरण अते कोविड टेस्ट ताय अपना बैंक्वेट हॉल देने रा ऐलान करुआ। कीर्तपुर मनाली अते परवाणु ढली NH रा काम जल्दी पूरा हुआ, मुख्यमंत्री दित्ते ने निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है लोक निर्माण विभाग रे अधिकारी जो निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने अते विकासात्मक परियोजना जो समयबद्ध पूरा करने रे निर्देश दित्ते न। जिला मुख्यालय धर्मशाला में टूटी कर देने कोविड नियम, स्वास्थ्य विभाग बनाए व्यवस्था। कोरोना री दूजी लहर में प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला कांगड़ा में करुआ असर। एडियर हालात दिन प्रतिदिन नाजुक होते चल रहे न। अब स्थिति एव ची चुकी है कि हर रोज 1500 आसपास मनु कोरोना संक्रमित हो चिकर देना। मुख्यमंत्री शिमला में COVID-19 हेल्पलाइन रा शुभारंभ करुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है वीरवार जो मनु रे समक्ष कोविड रे संबंधित मामले में सहायता प्रदान करने ताय मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 11 पर समर्पित COVID-19 हेल्पलाइन रा शुभारंभ करीता। कांगड़ा में बिना मास्क थो 294 कट्टन पुल से चलान, 1.5 लाख थो ज़्यादा जुर्माना वसूलू। कोरोना रे बढ़ते मामले जो हेरी करी पुलिस है जिला भर में नियमरी अवहेलना करने वाले पर सख्ती करना शुरू करी तीन। फोन पर जयराम सोगी वल्लू अमोदी की असु कमी दूर करनी, आम आदमी जो परेशानी थो बचाना।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण रे बढ़ते मामले जो लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोगी फोन मंच कोरोना रे प्रति बातचीत करी है। अज्जताए बस इतना ही, बाकी मूल दिन अगले हफ्ते रे समाचार में तो जुड़ी रहन इंदे चैनल डायरी टाइम्स होगी। अतः इंदे इस चैनल जो फेसबुक पेज पर अतः यूट्यूब पर लाइक करन अतः शेयर करन। धन्यवाद।